राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। संदीप आप ही हैं जी? शराब पीते हो? हाँ सर, पीते हैं गुरु जी। रोज जी? शादी हो गई? अभी नहीं गुरु जी। क्या करते हो जी? काम यहाँ चंडीगढ़ में जॉब करते हैं। कितना कमा लेते हो रोज का? डेली के 500। 500? कितने की पी लेते हो रोज? 200। तो ये सही है? नहीं। शराब पीना नहीं। अच्छा ये बताओ, चंडीगढ़ में जितने लोग शराब पीते हैं या पूरे भारत में जी, तो शराब पीने वाले ज्यादा अच्छे होते हैं कि शराब ना पीने वाले? शराब ना पीने वाले गुरु जी। शराब ना पीने वाले अच्छे होते हैं जी? तो फिर आप क्यों पीते हैं? हाँ गुरु जी, छूट जाएगी क्योंकि संगत ऐसी पड़ गई थी। किसकी संगत? अरे जो पीते खाते थे उन्हीं के साथ संगत पड़ गई थी। सुनो जी, पीते खाते लोगों की संगति में जी, यदि हम उनके जैसे हो सकते हैं जी, तो क्यों ना हम अपने आप को इतना अच्छा बनाएं कि हम अच्छे बनकर उन लोगों को अपनी तरह अच्छा बना ले। जी गुरु। जब बिगड़ा हुआ व्यक्ति जी हमें बिगाड़ सकता है, तो क्या हम सुधरे हुए व्यक्ति 10 को सुधार नहीं सकते? तो फिर आपको आज से ये प्रतिज्ञा करनी है जी कि हम अच्छे बनेंगे और औरों को अच्छा बनाएंगे। कितनी उम्र है आपकी? 22 साल। अब देखो 22 साल ही उम्र आपकी आगे बढ़ने की है, नाम कमाने की है, पैसा कमाने की है। खूब नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, पैसा कमाओ और धन को धर्म से जोड़ के रखो और अपने आप को भी। जो व्यक्ति धर्म से नहीं जुड़ेगा वो व्यक्ति जीवन में यूं ही गलत रास्तों पर चलकर स्वयं तो पतित होगा, अपनी माँ को रुलाएगा, पत्नी को रुलाएगा, बच्चों को रुलाएगा। कल आपकी शादी होगी, आपकी पत्नी रोएगी, फिर बच्चे होंगे, बच्चे रोएंगे। इसलिए बेटा ये गलत रास्ते छोड़ दो और अच्छी संगत करो, हमारी दोस्ती करो। जी गुरु जी, बिल्कुल। कथा सुनते हो जी रोज के? कभी कभी ना सब, अब शुरू किए। गुटखा भी खाते हो आप जी? दांत आपके काले दिख रहे हैं हमें। जी गुरु जी। तो क्यों खाते हो? अब नहीं खाए गुरु जी। देखो कितने अच्छे दांत दिए भगवान ने, बिल्कुल वाइट जी, पर आपने काले कर लिए। सोचो दांत इतने काले हैं तो गुटके से हमारा लीवर ईवर का क्या हाल हो रहा होगा, किडनियों का जी? जब दांत को इतना प्रभावित कर दिया गुटका तंबाकू ने जी, तो किडनी और लीवर की क्या हालत हो रही होगी जी? इससे हमारी आयु बढ़नी नहीं है, घटनी है। इसलिए बेटा सदुपयोग करो हा? और गलत रास्ते छोड़ दो। सबसे पहले गलत संगति छोड़ो, उन लोगों की संगति कभी ना करो, उन लोगों के साथ कभी ना उठो बैठो जो आपको शराब पिलाएं। मांस भी खाते हो? नहीं गुरु जी, मांस नहीं खाते नहीं। फिर ठीक है, तो आपको गलत रास्ते छोड़ना है जी। तो आप हमें समझाओ कि कैसे छोड़ेंगे आप गलत रास्ते? गुरु जी हम उन लोग के साथ बैठेंगे ही नहीं। तो आप जहाँ काम करते हो वहाँ तो वो लोग रहते हैं फिर? नहीं रहते गुरु जी। फिर कहाँ? एक दो किलोमीटर आगे रहते हैं गुरु जी। तो आप उनके पास जाओगे तो नहीं? नहीं गुरु जी। अच्छा वो आएंगे आपके पास फिर आप क्या करोगे? नहीं पिएंगे गुरु जी। नहीं, वो आएंगे आपके पास बैठेंगे फिर क्या करोगे आप? बैठेंगे गुरु जी, जो करेंगे अपना करेंगे, हम नहीं करेंगे उनके साथ। अच्छा ये बताओ जी, कोई व्यक्ति हमें जी यदि शराब पिलाए, कोई व्यक्ति अनिरुद्धाचार्य को यदि शराब पिलाए जी, तो वो हमारा दोस्त है या हमारा दुश्मन है? दुश्मन है गुरु। दुश्मन। दुश्मन जी। तो जो आपको शराब पिला रहे हैं वो आपके दोस्त नहीं है जी? जिन्हें आप दोस्त कह रहे हैं वो आपके सबसे बड़े दुश्मन है। दोस्त कभी अपने दोस्त को गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकता जी गुरु। दोस्त हमेशा हमें सही मार्ग पर ले जाएगा, और जो गलत रास्ते पर आपको ले जा रहा है, कुछ लोग आपको शराबी इसलिए बनाए हैं। देखो जवान बच्चों को क्यों बिगाड़ा जाता है कुछ लोगों के द्वारा? क्यों? ये बच्चे यदि सही रास्ते पर चलेंगे ना तो नाम कमाएंगे, इज्जत कमाएंगे, पैसे कमाएंगे। उन लोगों को ईर्ष्यावश, वो लोग जो आपको शराब पिलाते हैं ना जी, वो ऊपर से आपके हैं पर वो अंदर से आपसे ना जलन रखते हैं कि आप आगे ना जाएं, आप शराब में ही उलझे रहें, सारी जिंदगी बर्बाद कर दें, तरक्की ना करें, पैसे ना कमाएं। इसलिए कुछ लोग ना चाह करके भी आपको नशे की लत में डलवा देते हैं, क्योंकि वो बाहर से तो आपके हैं पर वो भीतर से आपकी केवल हानि चाह रहे हैं। ऐसे लोगों को पहचानो। रावण माता सीता को चुराने किस रूप में आया था?
साधु के रूप में, साधु मतलब अच्छा बन के आया था। ये समाज के कुछ दुष्ट लोग आपके सामने अच्छा बन कर आते हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं, ये दोस्त नहीं होते मेरे भाई, दोस्त हम हैं आपके, जो आपको गलत रास्ते से सही रास्ते की प्रार्थना कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि सही रास्ते पे आओ, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। दुश्मन है? हाँ गुरु जी। तो आज से वो आपके कौन है? आज से दुश्मन है गुरु। दुश्मन है। और आने वाले समय में बेटा आपकी देखो माँ पिताजी हैं आपके? पिताजी इस पार हो गए। पिताजी, आप कितने भाई हो? दो भाई हैं गुरु। आप बड़े हो छोटे हो? बड़े हैं। तो बड़े की जिम्मेदारी क्या होती है, छोटा क्या करता है? छोटा भी यहीं रहता है गुरु। तो वो भी शराब पीता है? ना, वो नहीं। फिर आप पियोगे, छोटे बेटे वो भी शराब पिएगा? अरे दो पैसा कमाओ, बाप मर गया है तो मरे बाप का नाम इज्जत कमाओ, कि भाई कोई ये ना कहे कि बाप मर गया तो औलादें गलत रास्ते पर चली गई, ये आरोप ना लगाए तुम्हारे मरे बाप पर कोई जी। अरे कम से कम मरे बाप को कम से कम उसका सम्मान बढ़ाने के लिए कुछ अच्छा कर लो, अच्छी इज्जत कमाओ, पैसा कमाओ, सवारो घर अच्छा लाओ, माँ को देखो बेचारी रो रही है, आप शराब पीते आप हो, रोती माँ है जी। तो जिस माँ का पति भी ना हो, अब उसका तो केवल आप जैसा बेटा ही है ना, और छोटा भाई भी है, उसकी भी जिम्मेदारी होगी, पढ़ाई लिखाई भी शायद हो जी। फिर 300 रुपए में क्या घर चलेगा आपका जी। इसलिए अपना कुछ बिजनेस कर लो, अपना कुछ व्यापार कर लो, पैसे बचाओ, सही रास्ते पर चलो। तो आज हमसे आप वादा कीजिए, वचन दीजिए, प्रॉमिस कीजिए कि आज से शराब नहीं पियेंगे। आज से गुरुजी नहीं पियेंगे। और मन हुआ तो? नहीं पियेंगे गुरुजी। मन हुआ तो? नहीं पियेंगे गुरुजी। मन हुआ तो क्या करेंगे? फिर भी नहीं पियेंगे गुरुजी। नहीं पियेंगे, अपने पे कंट्रोल कर लोगे? जी कर लेंगे गुरुजी। है? हाँ जी। ये बिल्कुल सही बात है, जो व्यक्ति अपने को कंट्रोल कर लिया वो सबको कंट्रोल कर सकता है। कर लेंगे गुरुजी। तो मुझे आज एक संकल्प ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? संदीप तिवारी जी। बोलो हे प्रभु। हे प्रभु। मैं संदीप तिवारी। मैं संदीप तिवारी। आज वृंदावन धाम में। आज वृंदावन धाम में। भगवान के सामने। भगवान के सामने। प्रतिज्ञा करता हूँ। प्रतिज्ञा करता हूँ। आज के बाद। आज के बाद। कभी। कभी। शराब नहीं पीऊंगा। शराब नहीं। ये भागवत जी भगवान है, और आप भागवत जी के सामने प्रतिज्ञा कर रहे हैं। हे भागवत जी। जी। हे भागवत जी। मैं कभी। मैं कभी। शराब नहीं पीऊंगा। शराब नहीं पीऊंगा। हे प्रभु। हे प्रभु। मेरे इस वचन की। मेरे इस वचन की। रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए। अब ना पीना, ठीक है? खुश रहो जी। अच्छे बनो जी। हमारे पास आओ, जो हम बता रहे हैं वो आपका लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। यहाँ भी सुखी रहोगे और वहाँ भी सुखी रहोगे, इसलिए हमारी संगत करो, हमारे फ्रेंड बन जाओ, हमारे दोस्त बनो, ठीक है? आज से उन दुश्मनों के बिल्कुल करीब ना बैठना, नहीं बैठेंगे, ठीक है? और आते रहिएगा वृंदावन। यहाँ माताओं का दर्शन किया आप लोगों ने? जी अभी नहीं चल रहा, करेंगे। अभी माँ का दर्शन करना, यहाँ की रसोई प्राप्त करना। आपकी उम्र देखो कितने साल की है? 22 साल की है, और हम 32 साल के हैं, है ना? तो देखो हम भी यदि शराब पी रहे होते तो क्या हम ये सेवा करते? नहीं। एक व्यक्ति चाहे तो समाज को सही दिशा दे सकता है, आप चाहें तो अच्छे बनकर उन शराबियों को आप अच्छा बनने की प्रेरणा दे सकते हैं। लोग कहेंगे कि जब संदीप तिवारी सुधर गया तो हम भी सुधर सकते हैं, बहुत शराबी सुधर जाएंगे आपके बल पर, इसलिए बन जाइए, प्रार्थना है, ठीक है? राधे राधे। खुश रहिए।